हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने भी अपना EKYC नहीं किया है अपने इंडियन गैस के लिए, तो आप यहां से कर के घर में कोई भी सिलेंडर हो, इंडियन, HP, भारत गैस, EKYC करना सबके लिए ज़रूरी है। EKYC आप दो तरह से कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन EKYC कराने के लिए आपको अपने गैस एजेंसी में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको आधार कार्ड से या फिर आपके फिंगरप्रिंट से EKYC हो जाएगा। और ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले अपना EKYC अपडेट करना है। अगर आपके पास मल्टीपल कनेक्शंस हैं तो EKYC करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, वरना आपको सब्सिडी मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है या फिर सब्सिडी बंद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें EKYC के लिए। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको टाइप करना है आधार फेस RD। सबसे ऊपर जो दिख रहा है आधार फेस RD, तो उस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन से आपका फेस रिकॉग्नाइज होगा। अगर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपका फेस रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसको डाउनलोड करना सबसे पहले ज़रूरी है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, इंडियन ऑयल 1, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और अगर आपका अकाउंट इसमें रजिस्टर नहीं है तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नीचे दिख जाएगा एरिया, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर आई एग्री पे टिक करके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरा पहले से ही रजिस्टर है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, और लॉगिन में आने के बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, फिर लॉगिन नाउ पे क्लिक करना है। तो हम अब लॉगिन हो गए हैं। तो उसके बाद आपको राइट कॉर्नर पे क्लिक करके LPG दिख रहा होगा आपको, उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर रेड सिलेंडर दिख रहा होगा जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, और नीचे ब्लू सिलेंडर दिख रहा है जो कॉमर्शियल कनेक्शन है। तो आपको डोमेस्टिक कनेक्शन पर क्लिक करना है, और फिर नीचे आपको दिख रहा होगा आधार KYC, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे टिक करके आपको नीचे फेस स्कैन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे अलाउ करना है, फिर यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो आपका फेस स्कैन होगा। फेस स्कैन के लिए आपको प्रॉपर लाइट की ज़रूरत होगी, या तो आप आउटडोर करें या फिर घर में प्रॉपर लाइट हो तो अच्छा है। यहाँ पे मेरा पता नहीं कुछ एरर हो गया, तो फिर से हम ट्राई करेंगे। आपके रूम का लाइट प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, या तो फिर आप आउटडोर करें तो वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। मोबाइल को स्टीडी रखना है और आइस को ब्लिंक करते रहना है। यहाँ पे शायद हमारा प्रोसेस हो गया है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा फेस रीडिंग एक्सेप्ट हो गया है। आपको सारे अकाउंट्स की डिटेल्स दिख जाएगी, फिर आपको नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा EKYC कन्फर्म हो चुका है। अब हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। इसके लिए आपको राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके माय प्रोफाइल में क्लिक करना है। वहाँ पे आपको नीचे ट्रैक EKYC स्टेटस दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएटेड डेट दिख जाएगा, टाइमिंग दिख जाएगी, और स्टेटस इन प्रोग्रेस है। तो हमारा EKYC हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।